कजन जा रहा है और मैं भी जा रही हूँ हमारे कपड़े। हाँ जी भाई, टाइम पे दे देंगे कपड़े। ये आप लोग भी अपने ईद के जदेरी कपड़े सिलने दे दें ताकि आप लोग। क्या मसला है, इतनी आपकी नीयत क्यों खराब है? यहाँ पे जी अवरीशा बना रही है बिरयानी और ये बना दी जी टोपी पहन ली है फ्रेंड्स की, लोगों के लिए है। जिन लोगों ने कहा था यहाँ पे देखिए ये मेरे बच्चे आ रहे हैं और ये मुझे जल्दी जल्दी माशाल्लाह से काम हो रहा है। ये देखिए जी राइस हो रहे हैं और साथ साथ यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई और यहाँ पे जी देसी मुर्गी बन रही है, यहाँ पे जी यखनी और कुछ सब्जी हो रहे हैं। यहाँ पे देखे जी मैंने पुलाव को दम निकाल लिया है और माशाल्लाह मुस्तफा ने देखो मुस्तफा को अम्मी ने नीमको वाले डब्बे में डाल दिए। ये हमारी अम्मी मुस्तफा। अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे देखे ये मिस को आज हमने उठाया है जबरदस्ती है। मिस कुछ कहना चाहेंगी आप? आप कुछ कह दें, आप तो छुप रही हैं, बताओ जरा हैं। मिस को जी आज ज़बरदस्ती उठाया है कि चलो हमारे साथ, मैंने टेलर को कुछ कपड़े वगैरह देने और वरीशा को कहा कि आप बिरयानी बनाए, राइस इसको मैं बॉईल करके दे रही हूँ, चीज़ें इसको मैं काट के दे रही हूँ सारी। क्या लगी क्रीम लगी हुई फिर क्या हुआ जोहा? बंदा लगाता ही है, हाथ हो गया जोहा। यहाँ पे मैं वरीशा को राइस बॉयल करके दे रही हूँ। वरीशा बिरयानी बनाती है ना, तो अभी उसको राइस बॉयल करने नहीं आते, तो मैं उसको ना बॉईल कर देती हूँ राइस और मसाला वगैरह, तो उसको सिखा दिया कैसे बनाना है। मैंने ज़रा टेलर को कपड़े देने जाना है तो मैंने इमरान से कहा था आप आ जाएं, तो बॉईल कर रही हूँ राइस और बिरयानी बनाएगी वरीशा। यहाँ पे जी वरीशा को प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्चें, प्याज कांगे, प्याज उधर पड़े, पुदीना, एवरीथिंग काट के दे दी। बस यहाँ पे देख लें, ये प्याज यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये पुदीना यहाँ पे रखा हुआ है और अब ये जो है बाकी ये काम ये खुद करेगी। यहाँ पे जी अवरीशा बना रही है बिरयानी और मैं जा रही हूँ जरा टेलर के पास, इमरान अभी तक आए नहीं है। इंशाल्लाह फिर हम जा रहे हैं, ऐसा नीचे जा चुका है, मैंने कहा चलो मैं भी आ रही हूँ। वो बड़े भाई तो नहीं आ रहे? हसन गाड़ी तो उसी कलर की है। नहीं नहीं, वो कोई और ही है। शॉपर पकड़े हुए हैं, मैंने भी, हसन ने भी, हसन जा रहा है और मैं भी जा रही हूँ हमारे कपड़े ही माशाल्लाह से। हसन तुमने झूले लेने? हसन लेने ये वाले झूले? ये हाल देख लें गलियों का, क्या तोबा तोबा, इन्होंने क्या खुदाई की। ये बच्चे देखें इधर क्या कर, जंपिंग कर रहे। मैं आ चुकी हूँ टेलर के पास। भाई हैं किधर गए हैं जी? बुला लें जरा। हाँ जी भाई, टाइम पे दे देंगे कपड़े? जरूर दे देंगे। हाँ नहीं, ये तो वाकई टाइम पे दे देते हैं और बिल्कुल वाकई एक्यूरेट टाइम पे देते हैं कपड़े। ये देखिए सी के भी रखे होते हैं। हाँ जी, लेंथ आप इतने ही रखे हैं सारा ड्रेसेस वगैरह। यहाँ पे वरीशा के सूट का नाप दिया जा रहा है। लेंथ कितनी है इसकी? 46। कितनी हो सकती है ये आप देख लें, जो शर्ट का जो है उसका मेजर करके बता दें। मैं और हसन, हसन बोलो, अब हम लोगों ने कपड़े दे दिए, बहुत बड़ा टास्क हमने कंप्लीट कर लिया आज का अपना। कपड़ों को देते देते तकरीबन हमें रात हो चुकी है, आधा घंटा लगा हमें, आधा पौना घंटा है ना हसन। हम जा रहे हैं घर। आप लोग भी अपने ईद के जदेरी कपड़े सिलने दे दें ताकि आप लोगों को भी मसला ना बने बकरा ईद पे। यहाँ पे सड़क काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मैं टेढ़ा मेढ़ा चल रही हूँ। हसन आगे चला गया, मैं जल्दी जाऊँ हसन के साथ। ये बच्चे कॉन्टीन्यूसली अभी तक झूले ले रहे हैं। पूरा हसन पूरा लाजमी ये देख के कहेगी कि मुझे इधर लेकर आओ। अब जी मैं घर आ चुकी हूँ, हसन दे रहा है बेल। क्या मैं दुआ क्या कह रही हो? ये बेटा पापा के फ्रेंड ने भेजे हैं और दिखाओ क्या क्या चीज़ें आई हैं। इमरान अभी आए हैं और इमरान के फ्रेंड ये देखे गए हैं। इमरान को टोपी तेहान से जोहा बड़ा बड़ा खजूरें आई हैं मदीने से और ये क्या है? तस्बीह आई है जी।
पानी। और ये परफ्यूम जो खोल के दिखाओ कैसा है। इमरान जी आज हो गए थे लेट और इमरान अब आके पढ़ रहे हैं कुरान पाक। ये क्या है? खुल गया परफ्यूम। और हम जी देख रहे हैं कैसा है? क्या करे दोबारा उछलो जैसे उछली थी। ये मैंने पापा से कहा लड़कियों वाला परफ्यूम लग रहा है मुझे दे दे। और जोहा कैसे उछली थी दोबारा उछली। पापा मेरे पास एक भी नहीं है, मेरे ले लो वो जो रिशा से मेरे पास। नहीं वो दो नंबर मुझे नहीं चाहिए। नहीं वो अच्छे होते हैं ऐसे ही लगना चाहिए लड़कियों को। नहीं नहीं चलो दिखाओ जरा उछल के दिखाओ कैसे उछली थी जब पर। जोहा क्या मसला है, इतनी आपकी नीयत क्यों खराब है? जोहा आज क्या मसला है, आज आपके बिस्किट्स भी मंगवा दिए हैं और फिर भी आपका यही रोना बाकी है, क्या मसला है? जिंदगी क्यों इतनी खराब है जोहा तेरी? झंड है झंड। पापा इतने सारे हैं गिफ्ट में, आपको परफ्यूम ही मिलते हैं इतने सारे, पापा ने लेके दिए थे। तुमने बर्थडे करनी है ना, तुम्हारी बर्थडे पे भी परफ्यूम्स मिलेंगे। नहीं मुझे ये वाला दे दो, बर्थडे ना करो। चलो अच्छे अच्छे परफ्यूम दे दे। नहीं बर्थडे ना करो मुझे दे दो। क्या दे दें, बर्थडे ना करें बर्थडे पे? तुमने फिर कहना है मेरी बर्थडे करो, वो बात की बात है। शट अप जोहा। ये इमरान ने जी टोपी पहन ली है फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने कहा था जी कुरान पाक पढ़ते और टोपी नहीं पहनते, और आपने ले ली है। अस्सलामुअलैकुम। आप तो ऐसे जैसे वो बन गया, अस्सलामुअलैकुम भी करें। मुझे इतनी वो जो हमारी वायरल वो जो है ना रील इंस्टा पे, उस पर इतने लोगों ने कहा है कि जब ईदी मिलती है ना तो अस्सलामुअलैकुम कहना चाहिए। मैंने आपको थैंक यू बोल दिया था। अच्छा लोगों ने कहना चाहिए अस्सलामुअलैकुम। इस दफा आपने मुझे ईदी देनी है ना तो मैं आपको कहूँगी अस्सलामुअलैकुम। अच्छा मुफ्ती साहब। यहाँ पे मैं जोहा से कह रही हूँ कि जोहा बॉटल के अंदर डालो याला परफ्यूम मिल जाए, परफ्यूम मिल जाए। आप जमजम मैंने कहा कि मेरी बॉटल में डाल दो और फिर बाबा की बॉटल में भी डाल दो। चलो बस क्या हुआ है, परफ्यूम दे दो लंबी ज़िंदगी करेगा। हद हो गई है जोहा। यहाँ पे वरीशा नमाज पढ़ती गई है, मैं पढ़ रही हूँ, ये जोहा पढ़ रही है, जोहा जाग रही है, नमाज पढ़ रही है मेरे साथ और वरीशा चली गई है फौरी तौर पर, और इमरान मस्जिद चले गए हैं और अभी आते हैं तो फिर हम सोते हैं। The next day. यहाँ पे देखिए ये मेरे बच्चे आ रहे हैं और ये मुसलसल छुप रहे हैं और ये नीचे भाग रहे हैं और जूतियाँ सारे इन्होंने यहाँ रख दी हैं। और ये जो छोटी बच्चा पार्टी गई है इधर लिया टीवी है और मैं बना रही हूँ आज जल्दी जल्दी से खाना। और यहाँ पे देखिए जी डीप फ्रीजर के पास मैंने रखे हुए ये स्टीम पीस करने लगी हूँ मैं। और हाँ जी बेटा यस 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 आ गई है सोती आ गई है। और वो देखें दूसरी भी छुप रही थी, दूसरी वाली को मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज करती हूँ। वो देखें जी मेरी जोहा भी आ रही है, इनको शर्म आ रही थी जो ऊपर आते स्कूल के शूज़ ये ऐसे फेंकती हैं यहाँ सीढ़ियों में बैग और शूज़। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ। ये अभी आते ही पहले तो मुस्तफ़ा से प्यार करती हैं। हाँ जी मुस्तफ़ा मामा का कोई नहीं है। यहाँ पे जी देखे मेरे दो तरफ लगाए हुए हैं कुकर, एक में बन रही है देसी मुर्गी, एक में बन रहा है मटन कढ़ाई। और आज आ रही है मेरी अम्मी की फ्रेंड और वो मेरे पास आ रही हैं तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं। जल्दी जल्दी माशाल्लाह से काम हो रहा है। ये देखिए जी राइस हो रहे हैं और वॉश हो रहे हैं साथ साथ, जल्दी जल्दी मैंने स्पीड लगाई हुई है। और साथ साथ यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई और यहाँ पे जी देसी मुर्गी बन रही है। यहाँ पे जी यखनी चावलों की चढ़ाई हुई है मैंने। यहाँ पे देखिए जी स्टीम पीस तो मैं पहले अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ, ये देखिए इनको ब्राउन करके और फिर इसको मसाला लगाना है। इधर मैंने स्टीम का पानी रखा हुआ जल्दी से दिखाओ। और यहाँ पे जी कुकर लगा हुआ है और यहाँ पे ये देखिए स्टीम का मसाला बन रहा है। और साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी ये भी शेडर ले आओ पैर आगे। और यहाँ पे जी देखिए मैंने देसी मुर्गी आलू डाल के बनाई हुई और विषय वो भी दिखा दो गोश्त वाला सालन वो की। यहाँ पे ये देखें मेरे पास है और स्टीम वाला ये जो मैंने पैन लिया हुआ था ना ये वो है। अब मैं इसमें रखूँगी जी ये फॉइल पेपर, हाथ मेरा जल चुका है। और ये देखें जहाँ पे जी पीस है उनको मसाला लगाया हुआ है मैंने। अब मैं वन बाय वन करके इनको ना यहाँ पे रखूँगी, मैं रख के आपको बता दूँ। यहाँ पे जी आप देख लें अब मैं इसको लगाने लगी हूँ दम। और ये स्टीम आज पास देखें तेज तेज से निकल रही है। अब मैं इस पर लगाऊँगी पहले तेल। ये देखिए जी अब मैं इसके ऊपर सारे डाल दूँगी तेल अच्छे तरीके से
और ये स्टीम हो जाएंगे और इतने मज़ेदार और लजीज बनेंगे ना, ये आपकी शक्ल से तो वैसे लग रहे होंगे। और मैंने भी छुपा कर जैसे कि नाश्ता नहीं किया हुआ और भूख बहुत लग रही है, और कुछ सबक लिखे हो जाए यहाँ पे और मैं तो काम लगा। यहाँ पे मैंने सैलेड को कवर कर दिया है और ये देखिए दही पे, क्योंकि खाना मुझे अम्मी की तरफ लेके जाना है, और ये सारा कुछ रेडी हो चुका है। ये देखिए दही सलाद मैंने पैक कर लिया है। यहाँ पे ये देख लें काफ़ी ज़्यादा धुएँ शुएँ निकल रहे हैं, और मैं बना रही हूँ जी पुलाव, मटन पुलाव बन रहा है। और ये देखें आप जी राइस डालना, और अब मैं इनमें फ्राइड अनियन भी डालूँगी। यहाँ पे देखे जी मैंने पुलाव को दम निकाल लिया है, और माशाल्लाह से देखे कितना मज़ेदार पुलाव लग रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है। जो लोग ये मटन लवर हैं ये देख लें, उनको तो ये बहुत मज़े का लगेगा। और साथ जी पीस भी स्टीम हो चुके, अब मैं इनको लगाने लगी हूँ दस्तरखान। यहाँ पे आप देखें फ्राइड अनियन मैंने हॉट पॉट पर डाल दिए, हॉट पॉट पर चीज़ें लेके जा रही हूँ ना, और ये सब आप देख लें ठीक किया है ना मैंने। सही, खाना अब रेडी हो चुका, खाना लगा दिया मैंने। कैसा लगा मैं खाना बहुत आंटी भी खाना खा रही है आंटी कहती अम्मी की फ्रेंड आ रही है, अम्मी की कुमूरम कहती मेरी भी आएगी ना फ्रेंड। मैंने कहा हाँ आपकी भी आएगी फ्रेंड, किया आंटी उनको भी ले आते बच्चों को, मुझे लेके जाओ लेके। मैंने कहा अभी नहीं, मैंने कहा फिर ना कभी हमने हुरम से खेला, मैंने कहा अगली दफा आंटी आएंगी हुरम को भी लाएंगी साथ। नहीं नहीं तो आप ले आना, इनको ले आया करें, बच्चे ऊपर खेलते रहते हैं आराम से। मैंने कहा नहीं कुछ दिनों के बाद आएगी फिर आप खेल लेना। मुस्तफा इधर देखो, मुस्तफा को अम्मी ने निम्को वाले डब्बे में डाल दिए, ये टिक नहीं रहा टिक्के तो बैठा रह गया। अच्छा हाँ नहीं देखी प्यारी है ये, हाँ जी गई सी उधर। अच्छा नहीं प्यारी तस्वीरें सारी माशाल्लाह प्यारी। नोनू उधर देखो, बाय बाय। नोनू इधर देखो, मामा इधर बाय बाय। नोनू इधर देखो, शाल नार्मल से। फ्यू मिनट्स लेटर, अब मैंने जी खाना लगा दिया है इमरान के लिए, और ये देखिए राइस रखे हुए थे मैंने, और इमरान खा रहे हैं हाथों से राइस। मजा आ रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, स्टीम पीस बहुत अच्छे। अच्छा हाँ, जरा मिर्चे मिर्चे जरा लग रही थी, और कैसे मजे के लगे आपको? सब कुछ बहुत अच्छा। चलो जी थैंक यू सो मच। इमरान के लिए मैंने सब चीज़ें निकाल ली थी, ये आलू शोरबे वाली है, जो देसी मुर्गी है, वो कढ़ाई मटन वाली, और ये सब खाना रेडी है। बच्चों ने खा लिया, बच्चों को मैंने जल्दी काट दिया था, दे दिया था खाना। मुस्तफ़ा बैठ गया अंदर। अब हम मौसम इंजॉय करने के लिए आ गए हैं बाहर, और बाहर मौसम देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आंटी ज़रा मसरूफ़ थी अम्मी के साथ, तो फिर मैंने इमरान से कहा कि चले हम कहीं बाहर चलते हैं, वो अपनी दूसरी फ्रेंड की तरफ जा रहे थे मुल्तान में। तो आज ही काफ़ी ज़्यादा मट्टी है, ये आप देख सकते हैं। मुल्तान में मौसम में बारिश नहीं होती कि ऐसे ही गर्द स्टार्ट हो जाती है, आंधी स्टार्ट हो जाती है। और जी मेरे साथ हैं इमरान एज यूजुअल ड्राइव करते हुए, मिस वरीशा, मिस्टर मुस्तफ़ा और मिस हुरा। मुस्तफ़ा आपने फिटर बीट में छोड़ा हुआ, अब हम जा कहाँ रहे हैं ये तो बताएं जरा। सरप्राइज़ जी, हमारा मेंटर हो रहे हैं, और इमरान का प्लान बन गया अपनी सिस्टर की तरफ जाने के लिए, और काफ़ी डेज हो गए थे सिस्टर से मिले हुए तो उदास हो जाते हैं ना, मेरी सिस्टर से बहनों से उदास हो जाते हैं। दूसरी सिस्टर भी आई हुई है इमरान की, हाँ खाला भी आई हुई है, मिल गया सारी मामू पहुँचो। और यहाँ पे ना मैं फ़ोन कर रही थी कि ना घर में फ़ोन के जल्दी जल्दी जो है खिड़कियाँ वगैरह बंद कर दो, तो मुझे याद ही भूल गया था कि किचन की सारी विंडोज़ खुली थी, और खाना जो था वो किचन में ये भी रखा हुआ था। कवर तो खैर किया हुआ था, बट फिर भी आपको पता है मुल्तान की आप आंधी तो देख रहे हैं, मुझे बाहर निकल के फील हुआ है कि इतनी ज़्यादा घर में तो पता ही नहीं चलता। अब हम आ चुके हैं सिस्टर इन लॉ की तरफ, उनको शायद पता चल चुका है कि वहाँ ये देखो गेट ऐसे बंद हो गए, शर्मीले दो नैन पीछे खड़े दरवाजे के, ये खड़ा रहेगा मैं भी खड़ी रहूँगी इधर ही, ठहर है ज़रा। ये वो लड़का चल तू ना बना। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी अम्मी, प्यारी सी अम्मी। ये है जी मानू जो जी भाई, ये आयजा स्वीट आयजा, ये डीजी खान से आई है, बत्तियां देखने इधर लाइटें देखने। ये है प्यारी सी जैनब, ड्रेसिंग वाओ, और जैनब आपने बहुत अच्छी कुछ चीज़ पहन ली,
ये डॉक्टर एपिया, कैसे हो आप? पूराम पूराम, हाँ जी पूछता करना ना। हाँ जी ये है जी मुन्ना, हमारी सिस्टर। क्या बन रहा है जी बताओ बताओ उठाओ, ये क्या बन रहा है जी? माशाल्लाह पुलाव बन रहा है। ये क्या बन रहा है जी? वाओ कोफ्ते में, चिकन वाले वो दूसरे वाले मटन वाले? अच्छा चिकन वाले, ठीक 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 ओके। भैया और वो क्या है? ये फैन आ रहा है यार, फैन बात सुनना। क्या ये है जी? हुरम की दुनिया का फैन, हुरम की दुनिया का फैन। जैसे हुरम की दुनिया का कैमरा ऑन होता है इसको शर्में आ जाती हैं। बताओ ये भी देती हूँ। हेलो, अच्छा अब ऐसा आ जाओ मैं भी मनाऊंगी क्योंकि मैं भी आ रही हूँ।